जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुख। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 35 11th और फाउंडेशन के लिए साइन फॉर्मूला हो गया, कोसाइन फॉर्मूला हो गया। आज हमको पढ़ना है, एक है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, और दूसरा है नेपियर्स रूल जो कि टेंजेंट लॉ कहलाता है दो, और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस तीन फॉर्मूला को भी करते हैं, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है, जितना साइन कोसाइन में था वो नहीं है, उसी का यूज करके इसको प्रूव करना है, इसीलिए एक दिन में हम तीनों करना चाहेंगे। देखो कितना होता है, चलो जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिगो थर्टी फाइव किसके लिए, एलेवेंथ के लिए और फाउंडेशन के लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इसको इसीलिए लिखते हैं, इसमें ट्रिगो नहीं लिखे हैं, पता है काहे नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्री वन से है, वन से 35 चल रहा है, ये हमको लगता है कि 50 तक हो जाएगा, क्या हो जाना चाहिए 50 तक या 60 तक, हमको लगता है 60 तक जाएगा, क्योंकि इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाएगा और एक आ जाएगा तुमको इन्वर्स वाला चैप्टर, ठीक है। तो दो चैप्टर उधर है तो 10-15 मान के चलो उधर, इधर दो चार और बाकी है तो 60 तक, हाँ उसके बाद ग्राफ भी है, इसीलिए इधर जाएगा हमको 60-70 तक मान के चलो जाएगा। ट्रिगो हम नहीं लिखे हैं इसीलिए कि ट्रिगो हमको ले जाना है फिर जो बेसिक 9-10 का है, ठीक है, जो अपना ट्रिगो है बेसिक 9-10 का, उसको ले जाना है, ठीक है, इसीलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्री लिखे हैं, उसको ट्रिगो लिख देंगे, ठीक है। चलिए मेरा पॉइंट है आज का प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन पहला है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो प्रोजेक्शन है क्या, प्रोजेक्शन कहते किसको, पहले तो ये समझना होगा। तो देखो जैसे एक ही ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम हो गया मान लो ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया, इससे इस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग डी, जानता है प्रोजेक्शन क्या है, साइड ए बी का प्रोजेक्शन बी डी है, समझा, और साइड ए सी का प्रोजेक्शन डी सी है, ठीक है, साइड ए बी का प्रोजेक्शन क्या हुआ BD और साइड AC का प्रोजेक्शन क्या हुआ DC, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ साइड AB इज BD ऑन BC, प्रोजेक्शन ऑफ साइड AC इज DC ऑन BC, हो गया दिमाग में बात आ गया। ये मेरा एंगल A है इसीलिए ये पूरा साइड क्या कहलाता है साइड A, एंगल B है तो पूरा साइड B, और एंगल सी है तो पूरा साइड सी, तो हम लोग जानते हैं ये परपेंडिकुलर गिरा दिए हैं, ये हो गया क्या 90 डिग्री, ठीक है। अब आ जा क्या लिखते हैं आपको हम कि प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज क्या बी डी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं
प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC इज DC। ठीक है, कुछ नहीं है, जो हम लोग पीछे किए हैं ना उसी को थोड़ा सा और बढ़ा देना। यानी BC बराबर क्या होगा बोलो तो, यहीं पर लिख लो BC जो है, BC बराबर क्या होगा, BD और प्लस क्या BC, यही ना है। अब BC का लेंथ क्या है A, यानी हमको BD का और DC का लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, BD का और DC का। आ ये आप पहले निकाल चुके हैं, नहीं निकाल चुके हैं, जैसे इन ट्रायंगल यहाँ ले लीजिए, इन ट्रायंगल ADB, ADB, इसमें AB जो है आपका ये तो C है क्या। अब BD आपको क्या करना है, निकालना है। BD जो हमको निकालना है, ये हम लोग बना चुके हैं ना, cos B बराबर क्या BD, अब भाई क्या AB, यानी cos B इज इक्वल टू BD, अब भाई क्या C, यानी BD इज इक्वल टू C cos B, यानी BD इज इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोग C cos B। ठीक है, अब आ जाए किस में, DC के लिए। तो DC के लिए फिर किस में जाना होगा, ADC में है, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ADC, फिर cos C ले लो, cos C इज इक्वल AC कितना है B ना, तो cos C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DC बाय कितना D, इसका मतलब DC इज इक्वल टू B cos C, DC इज इक्वल टू B cos C, यही है मेरा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बात समझा, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना आसान, कोई बड़ी बात नहीं ना। A इज इक्वल टू C cos B प्लस कितना B cos C, इसी से हम आगे भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, जैसे ये AD परपेंडिकुलर गिरा दिए। अब हम दूसरा फिगर ले लो, कि ट्रायंगल यही रहने देते हैं A B C, ठीक है, अब B से BD यहाँ परपेंडिकुलर गिरा दो, ठीक है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ AB इज क्या AD ऑन क्या AC, नहीं अब प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन क्या AC इज DC। ये B है, ये पूरा साइड मेरा क्या हो गया B हो गया, तो B बराबर क्या लिखेंगे AD प्लस DC लिखेंगे। इस ट्रायंगल से AD का निकल जाएगा जैसे इसका निकाल रहे हैं, इस ट्रायंगल से किसका निकल जाएगा DC का, और फिर ऐसे ही दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर तीसरा फिगर हम मान लीजिए ले लेते हैं, उसमें क्या करेंगे C से परपेंडिकुलर गिरा दिए, इसको हटा दिए, मान लीजिए इसको भूल गए, दूसरा फिगर हो गया, ठीक है, C से परपेंडिकुलर गिरा दिए क्या D पर, नहीं ये A है तो A हो गया, ये B है तो क्या हो गया, बन जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन AB इज AD, प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन AB इज क्या BD, और फिर इसका लेंथ क्या है C, तो C इज इक्वल टू उतना, समझ गया बात अब, तो उसको अब हम डायरेक्ट लिख दें, जैसे एक E हुआ ऐसे ही आप दोनों बनाइएगा, मेरे तरह ही समझा के नहीं निकलना है आपको, समझ गया, चल सी हो गया, सी इज इक्वल टू क्या हो गया ए इज इक्वल टू कितना सी कॉस बी, और प्लस कितना बी कॉस ए, उसी प्रकार से आप सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोच के देखो ए कॉस बी, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, नहीं इसी प्रकार से तुम बी निकालेगा, ये तुम्हारा काम है, सब काम हम करेंगे, तो सही बात नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, एक अगला फॉर्मूला है मेरा, साइन हो गया
कॉस हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। अब आ जाते हैं टेन साहब के लिए, लॉ ऑफ टेंजेंट। क्या लॉ ऑफ टेंजेंट? नेपियर्स एनालॉजी, इसको बोलते हैं हम लोग नेपियर्स एनालॉजी। लॉ ऑफ टेंजेंट माने क्या? टेन के लिए इसको बोला जाता है, नेपियर साहब के नाम पर कर दिया नेपियर्स एनालॉजी। टेन के लिए फॉर्मूला, साइन के लिए हो गया, कॉस के लिए हो गया, और किसके लिए हमको करना है? टेन के लिए। ठीक है, ये क्या है, साइड कर लिया कि b माइनस सी बाय बी प्लस सी। ध्यान से देखो, b माइनस सी बाय बी प्लस सी, तो साइड पता है, साथ साथ इंटू कॉट ए बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू टेन b माइनस सी बाय टू। यही इसका फॉर्मूला, मानी एक है, इसी प्रकार से दूसरा निकल जाएगा, ठीक है, टेन बी माइनस सी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस सी बाई टू, अलग अलग। तो पहले एक समझ जाएंगे, दूसरा तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको प्रूफ करना है ना, ये तो फॉर्मूला है, हमको याद रखना होगा। देखो यहाँ साइड लिया बी सी, तो एंगल क्या ले लिया, ए, साइड बी सी लिया तो एंगल क्या लिया, ए। अच्छा, और यहाँ एंगल में क्या ले लिया, बी सी, यानी जो साइड लिया एंगल ले लिया, ठीक। मान लो यहाँ यदि हम ए माइनस बी करते हैं, तो ए माइनस बी बाय ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू कितना, टेन ए माइनस बी बाई टू। खैर वो तो बना लेगा तुम, बुधियार आदमी सब। अब आ जाओ, इसको प्रूव करना है, तो इसको हम एल एच एस को लिए, एल एच एस को लिए क्या है, बी माइनस सी बाई बी प्लस सी और कॉट ए बाई टू। अब कहेगा बी बराबर क्या, इस साइन फॉर्मूला से चलो, साइन फॉर्मूला में क्या था, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। जब तीनों वो बराबर कह दिया, एक मेरा भी बात मान लिया, बराबर क्या कर दिया, के, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू के, ए इज इक्वल टू क्या, के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी, सी इज इक्वल टू के साइन सी, उसका वैल्यू यहाँ डाल दो। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के साइन बी माइनस के साइन सी बाय के साइन, क्या साइन बी क्या लिखे हैं, के साइन बी प्लस के साइन सी। अब यहाँ के कॉमन लेके हम उड़ा सकते हैं ना, नहीं ऊपर नीचे दोनों में के है ना, तो के कॉमन लेके उड़ा दिए, वो हम नहीं लिखे हैं क्योंकि इलेवेंथ फाउंडेशन है। तो क्या बच गया, बच गया मेरे पास साइन बी माइनस साइन सी, अब बाई कितना, साइन बी प्लस साइन सी। ठीक, इसके बाद वाला भी कहानी आपको पता है, नहीं पता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ठीक, उसको बैठा सकते हैं आप, साइन सी माइनस डी और साइन क्या, सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। क्या है साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस डी बराबर क्या लिखेगा, हम डायरेक्ट लिख दें, टू साइन बी माइनस सी बाई टू और कॉस बी प्लस सी बाय टू। ये तो हो गया ऊपर का साइन बी माइनस साइन सी का, नीचे में आइए क्या है, साइन सी प्लस साइन डी ना, यानी टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी क्या, बी प्लस सी बाई टू और कॉस बी माइनस सी बाय टू। अब देखो तो इसमें टू टू दोनों में है, वो तो उड़ गया है, साइन बी माइनस सी बाई टू और कॉस बी माइनस सी बाई टू, यानी टेन बी माइनस सी बाई टू नहीं हो गया, ये क्या हो गया। अच्छा, साथ साथ एक चीज और छोड़ रहे हैं हम लोग ना, कॉट ए बाई टू, कॉट ए बाई टू, कॉट ए बाई टू, ठीक है।
साइन बी माइनस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू यानी टेन बी माइनस सी बाई टू, ठीक है, कॉस बी प्लस सी बाई टू और साइन बी प्लस सी बाई टू यानी क्या कॉट बी प्लस सी बाई टू और इंटू इतना का क्या है कॉट ए बाई टू। ये मार्कर जो है ना भूखा हो गया, चल अब खाया पिया हुआ मार्कर को बुला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको निकालना क्या है, निकालना है टेन बी माइनस सी बाई टू यानी ई दोनों को उड़ाना है, ई उड़ जाएगा आराम से। कैसे, क्योंकि यहाँ बी प्लस सी बाई टू है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री याद पड़ गया नहीं, तो ए को उधर कर दिए 180 माइनस ए नहीं, और इधर क्या बच गया बी प्लस सी, अब तो अब दोनों में क्या कर दीजिए बाय, ये सब अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 11th है फाउंडेशन है। ये आपको आता है कि कॉट बी प्लस सी बाई टू बराबर क्या हो जाएगा कॉट ए बाई टू, क्यों हो गया एक बार बोल देते हैं, अब लिखेंगे नहीं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 180, ठीक है। हमको निकालना है बी प्लस सी तो ए को उधर कर दो 180 माइनस ए, इधर बच गया बी प्लस सी, अब दोनों में बाई टू कर दो तो बी प्लस सी बाई टू उधर क्या होगा 90 माइनस ए बाई टू, ठीक। और क्या लगाना है कॉट लगाना है तो कॉट लगा दो, टेन लगाना है तो टेन लगा दो, क्या हो जाएगा कॉट ए बाई टू आ जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ मेरे पास बच गया टेन बी माइनस सी बाई टू, ये हो जाएगा क्या टेन ए बाई टू इंटू ये हो गया कॉट ए बाई टू, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना 1, इतना ही ना बच गया मेरे पास टेन बी माइनस सी बाई टू, ठीक है। यही आपका था लॉ ऑफ टेंजेंट यानी क्या नेपियर्स फॉर्मूला, ठीक है। इसे और आप आगे बना सकते हैं, क्या अगला क्या हो जाएगा लिखना पड़ेगा हमको, क्या अगला तुमको पता नहीं चलेगा, मान लो कि a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी बाई क्या हो जाएगा a प्लस बी, एंगल कॉट क्या होगा c बाई टू इज इक्वल टू क्या टेन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। एक तो हम तुम्हारे लिए छोड़ेंगे, एक तुम अब अपने से बनाएगा, ठीक है। चलो दो हो गया, अब हमको एक है मेरे पास क्या बोले थे प्रोजेक्शन हो गया टेंजेंट हो गया, ठीक। अब क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चल एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सब जानता है 1 बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट क्या है सो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले सो देख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू बी सी तो साइन ए हो गया, तो दूसरा क्या बनाएगा वन बाई टू ए बी ले लो ए बी साइड तो साइन क्या सी, वन बाई टू और क्या ले लेंगे ए सी, ए सी एंगल क्या साइन, यही मेरा फॉर्मूला है। इसको प्रूफ करना है, इसको तो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए आपको दोनों ट्रायंगल लेना होगा एक्यूट ट्रायंगल भी और ऑब्ट्यूज से भी, राइट एंगल में तो ऑलरेडी हुआ है। चलिए पहले हम ले लेते हैं एक्यूट एंगल के लिए, सब छोटा छोटा चीज है जानता है, एकदम छोटा छोटा चीज है लेकिन हमको आना चाहिए, हम उसको देखे रहेंगे तब ना कोई पूछेगा, या फॉर्मूला प्रूफ करने का मतलब जानता है क्यों ऐसा इस पर लगे हुए हैं हम या लगते हैं बार बार, कि जड़ पता है किसी चीज का, जड़ पता है नहीं तो जड़ पता है
तो थोड़ा मोड़ा ना अंतर होगा, तना फूल पत्ती फल पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। चलो एक ट्रायंगल ले लिया हम लोग, क्या ए बी सी, ठीक है, फिर परपेंडिकुलर गिरा दो, एक परपेंडिकुलर गिरा दो, वही चीज ए डी, ठीक है, साइड बी है तो एंगल बी है तो साइड बी ये हो जाएगा, सी है तो ये हो गया सी, ए है तो ये हो गया ए। इसका जो एरिया निकालना है सिंपल ज्योमेट्री से, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या बी सी और हाइट क्या ए डी, ए नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो 1/2 बेस बी सी जो है वो तो मेरे पास ए है, ठीक है, ए सी कह लेते हैं ए डी ना, अब हमको निकालना है ए डी, यानी मेन जो समस्या है मेरे पास सिर्फ ए डी निकालने का है ना, ए डी निकालने का। अभी तुरंत हम लोग कोसाइन फॉर्मूला में निकाले हैं, नहीं निकाले हैं क्या, इस ट्रायंगल को ले लो, ट्रायंगल हो गया मेरा ए डी सी, ए डी सी, ठीक है, ये निकालना है। अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगा, आना भी चाहिए, नहीं आया है तो गलत बात है, और सोचेगा कि और सब में सर जी क्रॉस लेते थे, यहाँ साइन क्यों ले लिए, क्योंकि यहाँ साइन लिखा हुआ है इसीलिए साइन ले लिए, ना ना रे बाबा ना, क्यों, क्योंकि आपको काम है एडी का, इसका काम है एडी का, ठीक, यदि आप कॉस लेते हैं तो आपको डीसी बाई एसी आएगा, एसी आएगा, तो यहाँ तो भाई नहीं, हमको डीसी का तो काम है नहीं, काम हमको किसका है एडी का, तो जिससे काम रहेंगे उसी पर जाएंगे, इसलिए क्या हो गया साइन सी और पी बाई एच, यानी ए डी अब आई क्या ए सी, ए डी हमको निकालना है, ए सी कितना है डी, यानी साइन सी बराबर ए डी बाई क्या बी, यानी ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी, हाँ तब यहाँ पर लिख लो बी साइन सी, हो गया, अब तो समझ गया बात, 1/2 ए बी साइन सी, जब हम एक बता दिए तो बाकी तो आप बना सकते हैं कि मेरा बच्चा है निश्चित बना लेगा, हम तो ये भी बता रहे हैं तो बहुत हो गया ना, चलो ए बी सी, जिससे इस पर परपेंडिकुलर गिरा देना, नहीं गिरा देगा, ए है तो साइड ए, सी है तो साइड सी, बी है तो साइड बी, हैं, इससे हम क्या निकालेंगे, इसको निकालना है ए डी बी डी, मान लो नहीं निकल जाएगा बी डी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो बी है ये है और ये निकल जाएगा, समझ गया बात, इस प्रकार से आपको आपको दोनों बनाना है, जब भी मिलेगा रे बाबू जब भी मिलेगा, कोरोना के बाद कोरोना आएगा, कोरोना के बाद कोरोना आएगा, कुछ भी आएगा फिर आएगा, तो जिस दिन आएगा तो कॉपी दिखाएगा, कॉपी नहीं दिखाएगा ऐसा तो होगा नहीं, कॉपी दिखाएगा उसमें हमको पूरा चाहिए, ठीक है, और यदि नहीं मिला तब तक नटराज सर्कस हो जाता, हो यही था मेरा जल्द आज खत्म ही काम, अब हम आगे में जाएंगे तो सिर्फ क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में जाएंगे, जय जय माँ बंगला मुख।